गाने वाला हूँ, तो आप सेकंड गिनना तैयार चालू कर दीजिएगा, ठीक है? 3 सेकंड वाकई में। आप मेरा इस जहन पेन को देखिए, इस पेन को देखिए। हल्का सा थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहूंगा बिल्कुल कि बिल्कुल एक जैसा है, ये हल्का सा थोड़ा सा और पतला है, ठीक है, और ये थोड़ा सा मोटा है। तो वाओ, तो ये काफी अच्छा एक प्रीमियम लगता है जब इसको हाथ में पकड़ो। तो आपको देख सकते हैं यहाँ पर कुछ खाने दिए हुए हैं, बॉक्सेस दिए हुए हैं जिसमें आप कुछ आईसी वाईसी भी रख सकते हो। ये काफी यूनिक खेल लगा। बाकी तो चलिए अब हालांकि इसको बहुत ओपन सारी जगह, करते ये हैं। मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ दोस्तों, मैंने अभी इसको ओपन किया नहीं है। ये क्लास में हुई होगी ओपन, बट अभी मेरे मैंने खुद को नहीं मैंने खुद ने नहीं किया है। देखेंगे कि 2 बॉक्स यहाँ पर मिले हैं। यहाँ पर लिखा आप देख हुआ सकते है हैं 3 सेकेंड वेल्डिंग, मतलब 3 सेकेंड में ऑटो स्लिप मोड पे चली जाती है। और एलसीडी डिस्प्ले यहाँ पर जैसे कि इन्होंने बताया है कि इन्होंने दिया हुआ है। चाहते हैं सुकून की लेना, अगर आप चाहते हैं जेबीसी पे वर्क करना, पर वो महंगी पड़ रही है 10,000 की या 20,000 की, तो आप मेरे ख्याल से ये ले सकते हैं, T245। हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर। हाँ माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है देवेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं एशिया टेलीकॉम ऑफिशियल चैनल देवेंद्र अग्रवाल। दोस्तों मेरे साथ एक प्रोडक्ट है जडेस मलिक सर की तरफ से, ये है T245। इसका रिव्यू करेंगे आज हम और देखेंगे कि ये क्यों एक बजट सेगमेंट में सबसे बेस्ट आरएन बन चुका है। अभी नया है हालांकि, और बहुत कम इसके वीडियो भी होंगे बट मार्केट में, पर मैं इसके लिए नहीं बनाता कि किसी ने नहीं बनाया तो मैं बना देता हूँ। मेरे चैनल पे तो नॉलेज, मेरे हर तरह का नॉलेज एक सब्सक्राइबर को मिलना चाहिए, तो इस वजह से। और ये मैंने परचेस खुद के लिए किया हुआ है, जो मेरी क्लास है जिस पे हम वर्क टेबल पे काम करते हैं, सो वहाँ पर हमने ये आरएन लगाने का सोचा है। तो ये T245 आरएन है। तो इसका पेन भी काफ़ी हल्का है, बिल्कुल जेबीसी के जैसे। मेरे पास जेबीसी भी है तो मैं इन दोनों को कंपेयर भी करवा देता हूँ कि हालांकि बजट जेबीसी जो है वो 17 से 20-22 हज़ार की है। हम बात करें ओएसएस की सोल्डिंग आरएन, जेबीसी क्यों है बेहतर और क्यों ये आप ले सकते हैं अगर आप चाहते हैं सुकून की लेना, अगर आप चाहते हैं जेबीसी पे वर्क करना, पर वो महंगी पड़ रही है 10,000 की या 20,000 की, तो आप मेरे ख्याल से ये ले सकते हैं T245। और आप देख सकते हैं T12 Pro अभी मार्केट में चल रहा है और ये T245 एक नया वर्जन आया हुआ है। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और उसको देखते हैं कि क्या खास है और इसमें जो हीटिंग एलिमेंट है वो कितना स्ट्रॉन्ग है और जो पैन का साइज़ है, जो टेक्नीशियन जैसे एक मैं आपको बता सकता हूँ एक एक्सपर्ट के नाते कि मुझे काम करने में कितनी सुविधा होगी और ये लेने के क्या वाकई में मुझे सुगुन लेने की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। चलिए तो सबसे पहले इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। तो डब्बे में आप देख रहे होंगे यहाँ पर सोल्डिंग आयरन है, प्रोफेशनल मोबाइल फोन रिपेयरिंग सोल्डिंग स्टेशन 3245। यहाँ पर 3 सेकेंड वेल्डिंग इन्होंने यहाँ पर कुछ दावा कर रहे हैं ये लोग, आप नोटिस कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 3 सेकेंड वेल्डिंग, मतलब 3 सेकेंड में ऑटो स्लिप मोड पे चली जाती है। और एलसीडी डिस्प्ले यहाँ पर जैसे कि इन्होंने बताया है कि इन्होंने दिया हुआ है। और उसके अलावा ओएसएस की टीम की तरफ से इसमें ये भी मुझे पता नहीं कि कितने बिट आते हैं, पर बेसिकली वो इतने बिटों को बनाते हैं। तो अलग अलग आपको अलग अलग साइड में, जिसमें आपको नाइफ, बैंड और स्ट्रेट तीनों बिट मिल जाते हैं यहाँ पर। और उसके अलावा आप देखें तो इसके अंदर हो सकता है कि मे बी फ्री अटैचमेंट, ओके ये दिया हुआ है फ्री अटैचमेंट, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे स्पोंग दिया हुआ है। स्पोंग दोस्तों क्या होता है कि जब हम काम करते हैं और बिट पर जो भी रंगा लगा होता है उसको क्लीन करने के लिए यहाँ स्पोंग का यूज़ किया जाता है, थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल के इस पर। सेम वैसे ही कॉपर वायर बॉल भी दी हुई है, जैसे ये देखिए कॉपर वायर बॉल मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा, ये देखिए ये आप देख रहे होंगे ना कॉपर वायर। सो जैसे मुझे रंगा है, मुझे यहाँ पर अगर बिट में ये, तो इससे भी रंगा क्लीन हो जाता है, तो ये भी यहाँ पर दी हुई है। और दूसरा आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक तीसरा है एंटी स्क्लेडिंग सिलिकॉन पैड,
तो ये भी यहाँ पर दिया हुआ है। चलो बहुत बेस्ट है, तीन तीन चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। और ऑटोमेटिक स्लीपिंग है, यूज़ इमीडिएटली, रैपिड हीटिंग है 2 सेकेंड, अब देखो वहाँ पे 3 सेकेंड बता रहे हैं, यहाँ पे 2 सेकेंड बता रहे हैं, क्या ठीक है। रैपिड टेम्परेचर रिकवरी, 3 सेट ऑफ प्रीसेट टेम्परेचर, ये अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको 3 सेट ऑफ प्रीसेट टेम्परेचर, मतलब 3 आप प्रीसेट सेट मतलब टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं। इंटेलिजेंट टेम्परेचर और इनमें कंपेंसेशन और विद अल्ट्रा प्रिकाइसिस टेम्परेचर कंट्रोल, तो यहाँ पे दिया हुआ है। और बेसिकली ये मेड इन चाइना है और आप इस बारकोड से इसको यूज़ कर सकते हैं इसकी ओरिजिनलिटी देखने के लिए। और उसके अलावा आपको यहाँ पर बाकी इस कंपनी की कुछ स्पेसिफिकेशन मिलेगा टेक्निकली। यहाँ पे इसका नाम OST245, जहाँ ये AC 90-230 वोल्ट पर ये आपको चल जाएगी, और 50 MHz से 60 MHz तक इसको चाहिए, और 5 एम्पियर बेसिकली ये कंज्यूम करती है। 130 वाट ये आपका लेगी वन, और जो इसका हीटिंग एलिमेंट है वो 120 से 450 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। और यहाँ पर बात करें तो 300, 350, 400 डिग्री सेल्सियस तक इन्होंने यहाँ पे बताया है। और फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की बात करेंगे तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट और 40 डिग्री सेल्सियस और 104 फ़ारेनहाइट पर ये वर्क कर लेता है। और बाकी सब चाइनीज़ में लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कॉपर की यहाँ पर वायर ये बताया है कि किस तरीके से आपको क्या रखना है। सिलिकॉन की ट्रे आपको मिलेगी, स्पोंग इसके ऊपर रख सकते हैं, और इसके अंदर आप कॉपर वायर वॉल को फिक्स कर सकते हैं। और यहाँ पे जिली अलॉय बास्केट, मतलब यहाँ पे आपको जिंक अलॉय, तो यहाँ पे आपको जिंक अलॉय बास्केट मिलेगा जिसके अंदर आप इसको अटैच करेंगे आपके आयरन को, ताकि आप ये स्लीप मोड पे इसको डाल सके। तो ये जिंक अलॉय का होता है। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर मतलब आपने डिब्बे का देखा है, क्या क्या लिखा हुआ है मैंने सब पढ़ाने की कोशिश की है। सो चलिए अब इसको ओपन करते हैं। ये मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ दोस्तों, मैंने अभी इसको ओपन किया नहीं है, ये क्लास में हुई होगी ओपन, बट अभी मैंने खुद ने नहीं किया है। सो देखेंगे कि 2 बॉक्स यहाँ पर मिले हैं, आप देख सकते हैं, तो 2 बॉक्स को साइड में कर देता हूँ। और एक कैटलॉग मैनुअल कैटलॉग या आविष्कृत रीडर या जो भी आप उसको बोल सकते हैं OSS टीम की तरफ से। सो यहाँ पर आयरन को कैसे यूज़ करना है ये सब बताया हुआ है, जिसमें इन्होंने चाइनीज़ पर बताया हुआ है और मे बी यहाँ पर इंग्लिश में भी बताया होगा। ये देखिए यहाँ पर इन्होंने इंग्लिश में भी बताया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें हम आप पढ़ के कर सकते हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो मुझे ये लगता है कि बिल्कुल आपको पढ़ना चाहिए। और यहाँ पे बताया है ESD मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज सेफ बिल्कुल मशीन है, और इस तरह का कुछ इसका दिखाई देगा जब भी हम इसको ओपन करेंगे। और यहाँ पर जैसे कैलिब्रेट होता ना दोस्तों, तो कैलिब्रेशन का यहाँ पे कुछ बताया हुआ है कि कितनी डिग्री सेल्सियस में क्या ये कर कितना तक जाता है, और बाकी ये तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया है, तो इसको हम रख देते हैं साइड में। अब देखिए यहाँ पे 2 बॉक्स हैं जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो अब 2 बॉक्स में अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहला बॉक्स ओपन कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले बॉक्स में हमको एक वायरिंग मिल गई है, ये मेन पावर केबल वायर है, ठीक है, और नॉर्मल वायर है, कुछ अलग नहीं है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये आप देख सकते हैं इंडियन यूज़ करके में हम कर सकते हैं, इंडियन में यूज़ हम कर सकते हैं, नॉर्मल है, ये चाइनीज़ नहीं है। सो अगर मैं बात करूँ चाइनीज़ प्लग नहीं है। दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक और वायर दिया हुआ है, ठीक है, सो ये भी हम यूज़ कर सकते हैं फॉर अगर हमें यूज़ करना हो अर्थिंग के लिए। और हाँ, ये हमारी बिट आ गई है, आप देख सकते हो, तो इसमें तो यही है, ये हमारी बिट है। बिट को थोड़ा सा पास से दिखाना चाहूँगा, आप देखिए, तो ये C245 सीरीज की बिट है, ये देखिए, तो एक बिट यहाँ पे इन्होंने दी है, ये स्ट्रेट बिट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो मैं इसको कंपेयर कराऊंगा अभी अपनी JBC से। तो वाओ, तो ये काफ़ी अच्छा एक प्रीमियम लगता है जब इसको हाथ में पकड़ो तो। आपको देख सकते हैं यहाँ पर कुछ खाने दिए हुए हैं, बॉक्सेस दिए हुए हैं जिसमें आप कुछ ICYCs भी रख सकते हो। ये काफ़ी यूनिक ही लगा, बाकी हालांकि बहुत सारी जगह पे ये करते नहीं है, तो इन्होंने अलग से एक और यहाँ पर रबर सिलिकॉन का एक यहाँ पर इन्होंने रबर दिया हुआ है, सिलिकॉन का लग रहा है, और यहाँ पे ICYC रख सकते हैं। तो छोटी छोटी IC होती है जनरली, वो काफ़ी सेफ रहेंगे यहाँ पर। और जैसे कि मैंने बताया कि ये आपका वायर है,
जैसे आप ये देख सकते हैं ना यहाँ पर, तो ये कॉपर वायर है। तो जैसे कि आपको बताया कि इसको क्लीन करने के लिए, और काफ़ी अच्छा है। पता है क्या होता है मेन रीज़न क्या होता है, पीछे से देखो ये पैक है, क्योंकि जब भी हम कॉपर वायर को पुश करते हैं ना तो वो अंदर तक और पूरा घुसता जाता है। तो यहाँ पर ये अच्छी चीज़ है कि हमने ऐसा किया और खींचा, तो इससे क्या होगा, हमारी पूरी जो इसकी ब्लेड है वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। और ये जैसे कि मैंने बताया, ये जिंक्स अलॉय की ये आपको प्लेट मिलेगी। फिर अच्छा, पीछे यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके साथ में एक केबल दी हुई है, ताकि ये केबल दोस्तों अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपका वो स्लिप मोड वाला वर्क नहीं करेगा, तो बेसिकली हमें ये लगाना होगा, ठीक है। तो और देखें, अब इसमें हमारा मेन जो प्रोडक्ट है वो होगा। सो देखिए, ये हमारा पैन, सोल्डिंग आयरन पैन, ओ एस एस टीम की ब्रांडिंग के साथ। यहाँ पे आपको ओ एस एस टीम की ब्रांडिंग मिलेगी T45। और आप इस पेन को देखिए, उस पेन को देखिए, ये देखिए, ये JBC का पेन है। ये देखिए, आप इस पेन को देखिए, इस पेन को देखिए, हल्का सा थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहूंगा बिल्कुल कि बिल्कुल एक जैसा है, ये हल्का सा थोड़ा सा और पतला है। यही सगुन में क्या कर देते हैं, ये डायरेक्ट पूरा ये पेन ही दे देते हैं, पर यहाँ पे हल्का सा अंतर है, ठीक है। और ये आ गई हमारे पास T245 आ रहा है। और ये इसके साथ जो एक्स्ट्रा चीज़ थी, ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, जिसमें ये दो चीज़ हैं आप देख सकते हैं। एक ये रबर पैड, बेसिकली एंटी स्क्लैडिंग सिलिकन पैड है ये, ठीक है। और ये आपको जो स्पॉन्ग मिलेगा ये, तो देखेंगे इसका यूज़ करेंगे। तो ये मशीन कुछ इस तरह की है यहाँ पर, तो ये मशीन कुछ इस तरह की है यहाँ पर। और चलिए ठीक है, तो इसको तैयार करते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं इसमें स्पेसिफिकेशन यहाँ पे लिखी हुई है यहाँ पर, और इसकी वेबसाइट है यहाँ पे। ये एलिमेंट लगेगा, ये देखिए लग गया बहुत इजीली। तो ये एलिमेंट यहाँ पर जो लग रहा है, ये जो प्लग है, ये आपके पैन का है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, जो इसका मेन प्लग है, उसका प्लग यहाँ लगेगा, तो इसका प्लग भी लगा देते हैं। ये देखिए, ये मेन प्लग लग गया, ये इसका पावर बटन है। और ये जो इसका प्लग है ऑटो स्लिप मोड के लिए, तो ये प्लग भी हम लगा देते हैं, यानी तो ये एरर देते हैं। कई बार आपको एरर जो देखने को मिलते हैं वो इसी के एरर्स होते हैं, बेसिकली अच्छे से कनेक्ट नहीं होता है। ये देखिए, और ये जो है ये यहाँ के लिए है बेसिकली, ठीक है। तो ये बेसिकली ग्राउंड करने के लिए, आप जैसे कि देख सकते हैं अर्थिंग के लिए, जैसे मैंने बताया, ये देखिए यहाँ पे लिखा है ग्राउंड, और यहाँ पे लिखा है स्टैटिक सीट बेसिकली। ये तो सिर्फ आप ग्राउंड कर सकते हैं, ताकि अगर कोई करंट हो, अगर मान लो ये कई करंट पकड़ रहा हो, तो ये करंट यहाँ से इसको ग्राउंड कर दे, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार बताना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या क्या लगाया है। यहाँ पर तीन वायरिंग यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। आप इसको वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं कि तीन वायरिंग किसकी है, और एक आपको मेन पैन की है। और पैन कुछ इस तरह का यहाँ पर लग जाएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखिए कि तीन पहले से प्रीसेट यहाँ पर इन्होंने बताए हैं, दिखाए हैं, सेट 390
और ये है 300, 350, 400। और अभी एक एरर मुझे आ रहा है, ठीक है। ये एरर क्यों है, क्योंकि मैंने अभी इस पर बिट नहीं लगाई है, तो उस पर बिट लगाते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने बिट लगा दी है। अच्छा, इस बिट के बारे में जैसे कि मैंने बताया था, ये देखो, ये मेरी JVC है, ये मेरी JVC की बिट है, ये देखिए, ये भी OSS की टीम की बिट है, और ये देखिए, तो इस बिट पे आप अगर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे भी लिखा है OSS टीम C210 और ये है C245, ठीक है। इसमें एक ही बिट आती है दोस्तों, और मैंने अभी पता किया है तो इसमें एक ही बिट आती है, इसमें तीन बिट नहीं आती है। तीन बिट मतलब आप अलग से परचेस कर सकते हैं। सो जो बिट मिली है मुझे स्ट्रेट बिट मिली है, और स्ट्रेट बिट ही मिलती है, आप इसमें कर्व और नाइफ अलग से ले सकते हैं। अब इसको हमने यहाँ पर रख दिया, अब आप इसको अच्छे से देखिए इसका टेम्परेचर। तो चलिए दोस्तों, हमारा ये तो दोस्तों देखिए, आप मैंने इसको ऑन कर दिया है। अब यहाँ पर सबसे अच्छी बात देखने की क्या क्या है, अगर मैं डिस्प्ले में आपको बताऊं, सो डिस्प्ले में आप सबसे पहले देख रहे होंगे कि एक कप है जिसमें से हीटिंग निकल रही है, तो ये हीटिंग एलिमेंट के लिए बता रहा है कितने डिग्री सेल्सियस ये हीट हो रहा है। और यहाँ पर देखिए आप कि जिस तरह का इसका यहाँ पर साइड में इसको स्टैंड दिया हुआ है, सेम इसका स्टैंड का डिज़ाइन यहाँ पर बना दिया है। जैसे ही मैं इसको यहाँ से उठाऊँगा, ये देखिए, ये जो यहाँ पर आइकन है वो चला जाएगा, और जैसे ही मैं यहाँ रखूँगा तो वो आइकन यहाँ आ जाएगा, तो ये मुझे बताएगा और एक बीप भी करेगा। ये देखिए, ये मैंने उठाया तो बीप करने से मुझे एक अंदाजा हो जाएगा कि हाँ, ये मेरा स्लीप मोड पे चला गया है। ये चीज़ JVC में नहीं होती है। JVC में क्या होता है, कई बार हम रख देते हैं और वो टच नहीं होता है, तो उस वजह से वो वहाँ पे टेम्परेचर ऑन रहता है, उस वजह से बिट है ना खराब हो जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले से तीन प्रीसेट दिए हुए हैं, जिसको आप यहाँ दबा के इसको आप सेट कर सकते हैं। जैसे देखिए 350, वैसे ही उसको दबा के आप इसको सेट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको मैन्युअली भी कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ, जैसे मान लीजिए अभी तो हमने इसको उठाया, अभी हमने इसको रख दिया है, ये देखिए, और एक बार इसको जीरो आ जाने देते, मतलब इसको लो आ जाने देते हैं, कितना ये लो जा सकता है, और उसको लो आने के बाद में फिर इसको उठाएंगे, देखेंगे कि फिर 350 कितने सेकंड में ये आ रहा है। तो दावा ये करता है 3 सेकंड में ये कर देता है, तो एक्चुअल में देखेंगे कि वाकई में 3 सेकंड में कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अपने लो टेम्परेचर पे आ चुका है। अब देखिए, मैं इसको उठाऊंगा और हम 3 सेकंड देखेंगे, आप अपने घड़ी को मिला सकते हैं 3 सेकंड में, और देखते हैं यहाँ पे आप देखेंगे कि 350 यहाँ पे सेट है, तो देखेंगे कि 3 सेकंड में 350 ये आता है कि नहीं आता है। तो मैं इसको उठाने वाला हूँ, तो आप सेकंड गिनना तैयार चालू कर दीजिएगा, ठीक है। 3 सेकंड वाकई में मेरे ख्याल से, मुझे नहीं लगता 3 से कम भी आ गया होगा। आप देखिए, 3 से कम में 350 में आ गया। ये चीज़ तो मानने वाली बात है कि ये चीज़ इसमें ये बहुत बेस्ट है, और अधिकतर जो मशीनें होती हैं वो उतनी आ नहीं पाती हैं, बड़ी आ जाती हैं। अब देखिए फिर से इसको मैं फिर से उठा रहा हूँ, ये देखो, यहाँ तो ये 2 सेकंड के अंदर भी आ गया। सो काफ़ी अच्छा है मशीन, आपको बताएगा ज़रूर, जिसमें मैंने पूरी कोशिश की आपको बताने के लिए कि 245 में आपको क्या नया मिलेगा। बिट काफ़ी अच्छी है एज़ कम्पेयर, अगर हम बात करेंगे नॉर्मल बिटों से काफ़ी बेस्ट है, और जो इसकी रेंज है वो लगभग 4000 है। आप इसको ZX मलिक की वेबसाइट में जाके इसको परचेस कर सकते हैं, बाकी आप डायरेक्ट में नंबर दे दूंगा, सो आप इस पर परचेस कर सकते हैं। और एक बार और बता देता हूँ कि इसके साथ आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, एक स्पंज, एक आपको मिल जाएगा यहाँ पर कॉपर की वायर, और आपको यहाँ पे सिलिकॉन के यहाँ पे पैड, और कुछ यहाँ पे IC रखने के लिए जगह, साथ में आपको एक जैसे कि यहाँ पर
एक एंटी स्क्लैडिंग सिलिकॉन पैड भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सो ये भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो ये भी काफ़ी खास है। और उसके साथ में जो इसकी हीटिंग एलिमेंट है वो कुछ सेकंड में अपनी ऑन हो जाती है, वापस हीट 350 डिग्री पे आ जाती है। प्री सेट यहाँ पर दिया हुआ है और देखा जाए तो ओवरऑल ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, रिकमेंड आपको करूँगा, बिल्कुल आप इसको ले सकते हैं। एक बजट फ्रेंडली सेगमेंट में है और एक अच्छी मशीन है और इसको अब हम यूज़ करने वाले हैं और कुछ टाइम बाद यूज़ करने के बाद भी एक इसका रिव्यू वीडियो जरूर डालूंगा। तो दोस्तों बेसिकली किसी प्रोडक्ट को बिना यूज़ किए हुए हम नहीं समझ सकते कि कितना आपके लिए बेस्ट है कितना नहीं है, तो मुझे यूज़ करने के लिए थोड़ा सा समय दीजिए, मैं इसको यूज़ करके आपको बताऊंगा कि क्या ये वाकई में बेस्ट है या नहीं। सो आप इसको परचेस कर सकते हैं, ZS मलिक की वेबसाइट है, अगर आप इसको करना चाहें तो। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, ऑल द बेस्ट। मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सिको निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं।